वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे Q2 की तरफ। सो ईच एंड एवरी वीडियो में बार बार मैं यही बोलूंगा क्लास, वेदर यू आर इन स्टैंडर्ड 6, 7 और 8, आई एम लीस्ट बॉदर्ड फॉर इट। स्टैंडर्ड 6, 7 एंड 8, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू ड्रॉ एंड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो दैट इज पर्टेनिंग टू बार ग्राफ। एम आई क्लियर? सो नाउ लेट अस सॉल्व और ड्रॉ आर सेकेंड क्वेश्चन। अब आपके सेकेंड क्वेश्चन में बेटा कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं और उसी के साथ उनका नंबर दिया है, लाइक डियर, टाइगर, मंकी, रैबिट, पीकॉक। ठीक है, ऑल दीज आर एनिमल्स और अब इनके नंबर दिए गए हैं 20, 4, 12, 16 और 8। तो सबसे पहला ही काम हमें क्या करना है, we will take a fresh new page and we will draw the y axis, we will draw the x axis and we will draw 0 and that is origin and right angle, and apart from that we have to draw this scale. Itna draw karne par you will be getting 1 mark. Ab aapka part 2 shuru karta hu, that is scale. To jaisa maine pehle sikhaya tha main fir aapko sikhata hu beta, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। लुक एट द नंबर्स केयरफुली, द नंबर्स आर 20, 4, 12, 16 एंड 8। आप सिर्फ नंबर्स को देखो और सोचो मैथ्स का वो कौन सा टेबल है जिसमें ये सारे नंबर नहीं तो मैक्सिमम नंबर्स आते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज 4 का टेबल। करेक्ट, 4 के टेबल में 20, 4, 12, 16, 8 सभी आते हैं। सो वी आर सिलेक्टिंग द टेबल ऑफ 4। आई एम सॉरी, सो 1 सेंटीमीटर के सामने बेटा आई विल राइट 4। करेक्ट, और देखो ध्यान से 20, 4, 12, 16 और 8 का हेडिंग है नंबर, तो मैं यहां पे लिखूंगा 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, के 4 एनिमल्स, बिकॉज एनिमल इज अ काउंटेबल नाउन, इसीलिए उसे नंबर दिया जाता है। अब इतना करने के बाद बेटा हमें y एक्सिस पर 4 का टेबल लिखना है। सिंस वी हैव सिलेक्टेड 4, सो वी विल बी राइटिंग 4 का टेबल। सर्च फॉर द बिगेस्ट नंबर दैट यू कैन सी इन द क्वेश्चन, द बिगेस्ट नंबर इज 2020। सो फ्रॉम द ओरिजिन ओ, उसके ठीक ऊपर वाली लाइन पे बेटा आई विल राइट यर 4, देन आई विल राइट देयर 8, देन आई विल राइट देयर 12, देन आई विल राइट 16, then I will write 20, then I will write 24. Correct? So the biggest number we require is 20. I had written 20. और ये 24 क्या है? 1 for good luck. That is, एक extra हमें लिख के रखना है. तो half mark 4 number लिखने का और half mark number और साथ में उसकी heading. That is, नंबर। इतना लिखने पर आपको और एक मार्क मिल जाता है, हाफ मार्क फॉर दिस एंड हाफ मार्क फॉर दिस। अब हम लोग एनिमल्स का नाम लिखेंगे। सो ऑन द वाई एक्सिस वी विल राइट, सॉरी ऑन द एक्स एक्सिस वी विल राइट द नेम्स ऑफ एनिमल, लीविंग वन बॉक्स। द फर्स्ट एनिमल इज डियर, सो आई विल राइट हियर डियर। The second animal is tiger, so I will write here tiger. The third animal is monkey, that is all the boys from standard 6 to 8 are monkey. Then rabbit, leaving a box, I will write rabbit. And then I have to write peacock. So I will write here peacock.
अब आप में से बहुत से बच्चे मुझे एक डाउट पूछेंगे और वो डाउट होगा कि सर अगर इस छोटे से बॉक्स में पूरा नाम नहीं आया तो इट्स ओके। अगर पीकॉक लिखते समय एंडिंग का सी के जो है वो नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इट इज ओके, बिकॉज ये बॉक्स छोटा है तो जितने अल्फाबेट आ जाते हैं उतने लिख लेने हैं। एंड वॉट आर ऑल दीज? दीज आर एनिमल्स, सो आई विल राइट हियर एनिमल्स, क्लियर? एंड देन आई विल पिक अ स्मॉल स्केल एंड द फर्स्ट ग्राफ विल बी ऑफ 20, सो डियर विल गो अप टू 20। नेक्स्ट, लीविंग अ बॉक्स टाइगर, टाइगर विल गो अप टू 4। अरे बाप रे, बहुत कम नंबर है, बिल्कुल सर जैसे हैं, एकदम लिमिटेड मिलते है कि नहीं? तभी तो हम लोग 1.5 साल से स्कूल में मिल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका नंबर, सॉरी द नेम इज मंकी, फाइन। सो नाउ हाउ टू प्रेजेंट मंकी, लेट अस सी दैट। थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया था बेटा, इसीलिए आई एम इरेजिंग इट। Monkey. Now the number of monkey is 12. So I will go up to 12. So this is 12. Next hai class, rabbit. The number of rabbit is 16. So I will be going up to 16. And the last and the final one is peacock. Peacock number is 8. So I will be drawing the bar up to 8. So here the number and the bar will be up to 8. And by this beta, aapka second bar graph ka question bhi comes to an end. Ye sirf meri tarif nahi hai beta. Aap dekh sakte ho graph paper. एब्सोल्यूट नीट है, कहीं पर भी ब्लॉटिंग या स्क्रिबलिंग या ओवरलैपिंग या लाइन से अलग जाकर डबल लाइनिंग वाला काम नहीं है, बिकॉज ग्राफ पेपर का पहला ही नियम है नीटनेस, यू शुड बी हाईली नीट एंड प्रेजेंटेबल। सो यू कैन सी दिस इज हाईली नीट वर्क। सो ऑन द थर्ड पेज, दैट इज फर्स्ट पेज वॉज फॉर पॉइंट्स टू रिमेंबर, सेकेंड पेज वॉज फॉर Q1, now the third page is for Q2. Third page pe you will draw this question neatly and you will draw the graph, fine? So all the students from standard 6 to standard 8 will watch the video and copy the same. Meet you in the next video with another sum. Till then, take care of yourself and thank you.